दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एसी एनडीबीसी। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारे मुर्गे हैं, ये मुर्गे इनमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हो गई थी, बीट की प्रॉब्लम हो गई थी दोस्तों। और बीट की प्रॉब्लम को मैंने इस तरह से सॉल्व कर दिया है कि मैं इनका बीट आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए, ये वाली भी बीट है, ये देखिए, और यहाँ पे इसके बाद ये देखिए दोस्तों, सारी बीट एकदम, ये देखिए फिर आगे, और मैं आपको बहुत सारी बीट दिखा देता हूँ दोस्तों, जिससे कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोलता हूँ या फेक वीडियो होता है। तो दोस्तों कल तक जो बर्ड हमारा ना पच पच करके बीट कर रहा था, बहुत ही पतली बीट कर रहा था दोस्तों, जिसमें फीड ड्रॉपिंग भी शुरू हो गई थी। लेकिन दोस्तों आज ना मैं, यार क्या बताऊँ, आप लोग देख सकते हो जितनी भी बीट है दोस्तों, ये देखिए ये, और फिर ये देखिए, यानी कि 100% बीट का फुल एंड फाइनल हो गया दोस्तों, और पूरी तरीके से बीट जो है अभी एकदम ज़बरदस्त हो गई। तो अब मैं इसको बताता हूँ आप लोगों को कि कैसे लगाना है और क्या इसमें लगाना होता है, कैसे लगाएंगे तो ये काम करेगा, वो बहुत सारी चीज़ों पे बात करने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो पे बने रहे, अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। और आपको मैं एक चीज़ और दिखा दूँ दोस्तों कि आज के दिन में आप ना जहाँ तक देख पा रहे होंगे, एक भी ऐसा बर्ड नहीं है जिसके बैक साइड में कहीं लगा हो बीट, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने ये जो टैबलेट है दोस्तों, इसका कम्बिनेशन भी बता देता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई आप जो दवा बताते हो वो मिलती नहीं हमारे यहाँ। दोस्तों अगर आप लोगों को जो मैं दवा बताता हूँ वो चीज़ ना मिले, अगर उस फार्मूले पे आपको दूसरी दवा मिल जाए, फार्मूला सेम होना चाहिए दोस्तों लगभग, मान लीजिए कि जो कम्बिनेशन हमारी दवा में है वही, उसी के आधार पे अगर कोई दूसरा आपको कम्बिनेशन वाली दवा मिल जाती है तो आप लगा दीजिए दोस्तों, गारंटी है कि वो भी काम करेगा। लेकिन जब कभी ऐसा हो जाता है कि आप ना वो चीज़ के बजाय कोई दूसरी दवा प्रयोग कर देते हो तो होता है कि मेरी बताई दवाएं कहीं फेल होती हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप जो मैं बताता हूँ उस कम्बिनेशन की दवा अगर आप लोगे ना, तो गारंटी है कि आपके मुर्गे में कभी भी बीट की समस्या नहीं रहेगी। तो ये दोस्तों है ओफ्लॉक्सासिन और ओरिनिडाजॉल। ये ओफ्लॉक्सासिन और ओरिनिडाजॉल का जो कम्बिनेशन है दोस्तों, इसी के आधार पे आपको दूसरी जो भी मिले, अगर ये नहीं मिल रही है, ओजट करके ये टैबलेट मार्केट में बिकती है दोस्तों। तो ओजट टैबलेट अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है, मान लीजिए कि जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर अगर ओजट नहीं मिलता है दोस्तों, तो आप उनको बताइए जो फार्मूला है ओफ्लॉक्सासिन एंड ओरिनिडाजॉल टैबलेट, इसको आपको बोल करके दोस्तों और अपने ख़रीदना है। इसके साथ में आप लोगों को एक चीज़ और बहुत मायने रखता है दोस्तों, जो आपको ख़रीदना पड़ेगा, जो आप यहाँ पे हरी वाली टैबलेट देख पा रहे हैं, ये है आपका लेप्रोमाइड कहते हैं दोस्तों, या अगर ये नहीं मिलती है तो आपको एक बहुत ही हर जगह पे उपलब्ध हो जाती है, जिसको बोलते हैं डायरिया स्टॉप ले लेना है। इसके साथ अगर डायरिया स्टॉप नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो आपको एसी लाख ले लेना है, यानी कि आपकी जो मेन दवा है वो आपकी ओजड हो गई, और ओजड के साथ में आपको डायरिया स्टॉप, लेप्रोमाइड या यूरिजाइम या एसी लाख जो भी मिले उसको एक ले लेना है। साथ में क्या करना होगा दोस्तों, अब मैं इसको बता रहा हूँ आप लोगों को कि इसको लगाएंगे कब और कैसे लगाएंगे। जो भी दवा आप लगा रहे हो दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि कोई भी दवा लगाओ आप,
लेकिन उसको लगाने के सही समय पे लगाओगे तभी वो काम करेगी, वरना उस दवा का जो रिस्पॉन्स है वो आपको 30% 50% ही मिलता है। लेकिन अगर दवाओं को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए दोस्तों, तो दवाएं 100% काम करती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमने इस दवा को रात में ही चलाया है, यानी कि शाम के समय। एक्चुअली हुआ क्या दोस्तों कि दिन भर गर्मी थी, गर्मी होने के कारण से हमने फीड को दिन में ही ब्लॉक कर दिया था। शाम को हमने क्या किया कि थोड़ी देर के लिए बर्ड को प्यासा कर दिया। प्यासा करने के बाद में दोस्तों, जैसे एक घंटे के आधे घंटे के करीब में प्यासा करने के बाद में हमने तुरंत टंकी में पानी भरा और इसके बाद में बाल्टी में मिला करके दवाओं को और सब में A to Z ड्रिंकर टू ड्रिंकर हमने एक एक गिलास दवा जो हमने मिलाई थी उसको हमने डाल दिया। अब देखिए, ये दवा भूखे पेट में बर्ड ने क्या क्या पी लिया। पीने के बाद में लगभग एक घंटे तक, एक से डेढ़ घंटे तक हमने अपने बर्ड को कोई फीड नहीं खिलाया है दोस्तों, यानी फीड बिल्कुल दिया ही नहीं है हमने। इसके बाद में क्या किए हैं दोस्तों, फिर रात में हमारे यहाँ एक्चुअली ये हुआ कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, तो मॉर्निंग में भी मुर्गा जो है भूखा था, क्योंकि रात में हमने फीड लगवाए नहीं थे। रात में बारिश हो गई तो जितना फीड था थोड़ा बहुत तो उसको बर्ड ने खाया, और सुबह में फिर हमको फीड लगाना ही लगाना था क्योंकि आज हमें दिन में भी फीड खिलाना है। तो दिन में फीड खिलाना है दोस्तों, इसलिए सुबह में हमने क्या किया कि पहले इस दवा को मिला करके और फिर से एक डोज दे दिया भूखे पेट में ही। भूखे पेट में ही ये दवा बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है दोस्तों, तो वो दे दिए हैं। अब क्या है कि जब दो टाइम लगातार आपको देना है, सुबह में भी और शाम में भी, सुबह शाम दो दिन ही दोगे ना तो ये आपकी दवा जो है प्रॉपर काम करेगी। अब मैं बताता हूँ कि इसका डोज क्या है दोस्तों। अगर आपके मुर्गे में फीड ड्रॉपिंग हो रही है और मुर्गा बहुत ही ज़्यादा पतली बीट कर रहा है, तब आपको ये जो दवा है इसको चलाना होगा 35 किलो बॉडी वेट पे। अगर हल्की पतली बीट हो रही है, सिर्फ फीड ड्रॉपिंग वगैरह नहीं हो रहा है, तब आपको क्या करना होगा कि इस दवा को आपको पूरा 40 किलो पे चला दें, लेकिन अगर ज़्यादा हो रहा है तो 35 केजी पे कर दीजिए। तो 35 किलो पे अगर आपको लेना है, एक टेबलेट लेना है ओजेड का, एक टेबलेट लेना है जो एसिलाक का या लेप्रोमाइड या डायरिया स्टाफ जो भी मिलता है उसको ले लें। इन दोनों को दोस्तों आप लोगों को सुबह शाम यानी दो दिन चला दीजिए। अगर मान लीजिए फर्स्ट डे में आपका रिस्पांस कम मिलता है आपको, तो अगले दिन चलाएंगे तुरंत रिस्पांस मिलेगा, और जो थर्ड टाइम चला दोगे तो बिल्कुल लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप लोग अपने बर्ड में दोस्तों इस दवा का प्रयोग करेंगे, तो गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ये जो दिक्कत है आपके फार्म में वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगी दोस्तों, और आपका मुर्गा फीडिंग करेगा, वज़न भी गेन करेगा और बहुत ही ज़बरदस्त वज़न गेन करेगा, क्योंकि आपकी फीड जो है वेस्टेज जानी नहीं है, 1% भी नहीं जाएगी। तो जितना फीड खाएगा उतना उसको लगेगा, और लगेगा तो वो ग्रोथ करेगा। साथ ही साथ में आप जो भी ग्रोथ प्रोमोटर चला रहे हैं वो भी चलाते रहें, क्योंकि ग्रोथ प्रोमोटर अगर चलाएंगे दोस्तों तो उससे ही लगभग जब फीड अधिक करता है मुर्गा तभी डाइजेशन ख़राब होता है, और कुछ ऐसे फिनिशर दाना होता है दोस्तों जो भी जो गर्म होता है। तो दवाओं का ऐसे ही कम्बिनेशन आप लोगों को अपने फार्म में प्रयोग करना है दोस्तों। भी कभी भी दोस्तों आप लोगों को दवाओं का सही से इस्तेमाल करवाना है तो इसी प्रकार से आप दवाएं लगाएं। अगर आप इस तरह से ट्रीटमेंट करोगे दोस्तों तो आपका मुर्गा हमेशा सही रहेगा, हमेशा सब कुछ सही रहेगा। और ख़ास करके दोस्तों जो पतली बीट की समस्या, यदि आपके मुर्गे की तैयारी पे आ गई तो समझ लीजिए दोस्तों कि आपका लाट खराब होना निश्चित है। तो हमेशा लाट के लास्ट में, यानी कि जब आपका 30 दिन 31 दिन 32वां दिन और 40 दिन तक अगर आप बीट को मेंटेन कर ले गए
तो आपका FCR नहीं भगेगा और आपकी बुक हमेशा अंडरकास्ट ही रहेगी दोस्तों, और अच्छा ग्रोथ भी आएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।